नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, बड़ी ही दुखद घटना कल सामने आई वसई विरार से। दरअसल कल मंगलवार को पूरे दिन वसई विरार में रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बारिश के दरमियान दो अलग अलग हादसों में, एक में जहां एक लड़की की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे में वो लड़की अभी लापता है। अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लड़की मिल नहीं पाई है। दरअसल एक मामला है विरार का। विरार में एक 15 वर्षीय लड़की जिसका नाम तनीक्षा कामले है। आधिकारिक जानकारी में सामने आया तनीक्षा कामले ये विरार में ट्यूशन पढ़ने गई थी। ट्यूशन से आने के समय रास्ते पे पड़े बिजली के तार, पानी की वजह से बिजली के तार से जो करंट रास्ते में दौड़ा, उससे करंट के चपेट में आकर इसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला नाला सुपारा के पेलहर का है, जहां पर दीक्षा यादव नाम की 15-16 साल की लड़की घर की तरफ आ रही थी और अचानक अपना पैर फिसलने से नाले में जा गिरी। दोपहर को 2 बजे घटना घटित हुई। शाम को 8 बजे तक अग्निशमन दल के कर्मचारी तलाश करते रहे, लेकिन बच्ची की खबर नहीं मिली। तो इस तरह से कल ये दो बड़े हादसे सामने आए वसई विरार से। रुक रुक कर कल सुबह से शाम तक बारिश का दौर जारी था और मूसलाधार बारिश कल पूरे दिन में हुई। कई जगह पे पानी भी भर गया, लेकिन वो सब चीज़ें अपनी जगह है। बारिश एक प्राकृतिक आपदा है, उसको रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हादसों को रोकना हमारे बस में है। लेकिन ये हमारे सिस्टम की लापरवाही है। आप सोचिए कि नाले में बह जाना, मतलब नाला खुला था, कहीं ना कहीं लापरवाही थी महानगर पालिका प्रशासन की। और वैसा ही मामला बिजली विभाग का। बिजली विभाग का तार, खुला तार जमीन पर कैसे गिरा तो उसके लिए बिजली विभाग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और आखिर लास्ट में अंत में जान चली गई। तो ये दो बड़े हादसे कल सामने आए। और एक आह्वान करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, बिना वजह मूसलाधार बारिश में घर से न निकले, अपना ख्याल स्वयं रखें। महानगर पालिका या प्रशासन के भरोसे आप नहीं रहें, क्योंकि जब कभी बारिश होती है मूसलाधार बारिश में गड्ढे, मैन होल ये हमको पानी में दिखाई नहीं देते और तभी हादसे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही। देखिए इन दोनों हादसों से जुड़ी तस्वीरें आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।